केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित ये नौजवानों के लिए रोजगार मेला, अप्रेंटिसशिप के लिए नए प्रशिक्षण के अवसर करने वाला ये कार्यक्रम है। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि भारत के नौजवानों को एक कुशल कौशल, नई तकनीकी का ज्ञान और नई उद्यमिता का नौजवान बनाने की आवश्यकता है और इसी काम के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज भारत सरकार का यह प्रथम प्रयास है, कोविड महामारी के कारण पूरे देश के अंदर कौशल विकास के प्रशिक्षण प्रशिक्षकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, अन्य सभी महत्वपूर्ण योजनाओं पर कहीं ना कहीं विराम लगा था, लेकिन भारत की जनता ने सामूहिकता के साथ कोरोना महामारी का मुकाबला किया, चुनौती का मुकाबला किया, फिर से एक नया सुनहरा अवसर आया है और ये सुनहरा अवसर को हम अधिक से अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है। आज दुनिया के अंदर, दुनिया के देश भारत की ओर देख रहे हैं और भारत के लिए इसलिए देख रहे हैं कि भारत के नौजवानों में वह बौद्धिक क्षमता है, वह कुशलता है, वह कौशल है, नई करने की सोच है, जिसके कारण दुनिया भारत के नौजवानों की ओर देख रही है। हम किस तरीके से हमारे नौजवानों की क्षमता का, उनकी कौशल का अधिकतम उपयोग कर सकें, इसके लिए ये विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। आज यहां पर बड़ी संख्या के अंदर नौजवान आया है, इस सपने को लेकर आया है कि मुझे कहीं नौकरी मिलेगी। कई नौजवान इसलिए आया है कि मैं अप्रेंटिसशिप के माध्यम से अपने कुशल और कौशल को और बेहतर करूंगा ताकि मैं और बेहतर काम कर सकूं। लेकिन इसके बाद भी हमारे नौजवानों में एक नए सोच की दिशा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, दुनिया के अंदर किसी नौजवान की ऐसी बौद्धिक क्षमता नहीं है। अभी दुनिया के जितने देश देखता हूं उसके अंदर भारत ही एक ऐसा है जिसने इस 2 वर्ष के अंदर 61,000 से ज्यादा स्टार्टअप के माध्यम से एक नए रोजगार अवसर का देने का काम किया है। और ये स्टार्टअप केवल रोजगार नहीं दे रहे, देश और दुनिया के अंदर नई तकनीकी, नई सोच, नए विचार, नए विज्ञान, उसके लिए भी एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज ये कौशल और कुशल मेला है, ये रोजगार मेला भी है, लेकिन मैं मेरे नौजवानों के आंखों में सपना देखना चाहता हूं।
कि नौजवान आने वाले समय के अंदर रोजगार प्राप्त करने नहीं आए, रोजगार देने का काम करें। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर इसी कोटा के अंदर जितने हमारे स्टार्टअप हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, उन सभी के चुनिंदा स्टार्टअप कंपनियों के नौजवानों को मैं यहां लाकर, जो नौजवान मेरे सामने बैठा है या प्रदेश और देश का और नौजवान यहां पर आएगा और देखेगा हम जैसे नौजवानों ने इस देश के अंदर विज्ञान और तकनीकी के ज्ञान के साथ सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, व्यापारिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या नया परिवर्तन किया है। और उस परिवर्तन को देखने के बाद उसके मन में भी आत्मविश्वास जगेगा कि मैं भी, मेरे जो नौजवान यहां आए हैं उन नौजवानों के, 10 नौजवानों के, 20 नौजवानों का ग्रुप तैयार करूं, क्यों नहीं मैं भी इसी तरीके का एक स्टार्टअप तैयार करके, जब मैं रोजगार मांगने आया था लेकिन रोजगार देने के बाद मेरी दिशा पलटी है और मैं रोजगार देने का काम कर रहा हूं। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर कोटा एक नया दिशा देने वाला नौजवानों का केंद्र बनेगा, जहां पर भारत का नौजवान आकर देखेगा कि किस तरीके से स्टार्टअप के माध्यम से, यूनिकॉर्न के माध्यम से हमने देश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, अभी कुछ दिनों पहले मैं दुबई गया था, दुबई के अंदर मुझे 100 नौजवानों के का एक ग्रुप मिला। उन 100 नौजवानों में से 40 नौजवानों ने उस दुबई के अंदर भारत के स्टार्टअप के सपनों को पूरा करने का काम किया और दुबई में बैठकर दुनिया के अंदर स्टार्टअप के माध्यम से एक यूनिवर्सल, पूरे देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर सप्लाई के महत्वपूर्ण केंद्र वह इन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से करने का काम किया। और इसीलिए मेरे नौजवान साथियों, आपकी कुशल और कौशल क्षमता अद्भुत है, आपकी कुशल और कौशल क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है, आपको बड़े सपने को देखने की आवश्यकता है। हम जब सपने बड़े देखेंगे तो सपनों को पूरा करने के लिए जुनून और आत्मविश्वास से काम करेंगे ताकि हम कभी रोजगार ढूंढने नहीं आए। मैंने अभी तिवारी साहब से कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में नौजवान आया है यहां, अभी रोजगार के लिए आया, अप्रेंटिसशिप के लिए आया, लेकिन मैं आने वाले समय के अंदर यहां पर देखना चाहता हूं कि यही नौजवान किस तरीके से आने वाले समय के अंदर नए बच्चों को रोजगार का मेला लगाएंगे, ताकि इन बच्चों को देखकर नए बच्चों के अंदर दिशा निर्देश का काम करें। साथियों, ये कोटा एक वह क्षेत्र है जहां औद्योगिक, व्यापारिक, पर्यटन की अपूर्व संभावना है। देश के अंदर कोटा एक ऐसा शहर है जहां पर प्रमुख रूप से हर शहर के अंदर कहीं ना कहीं पानी की कमी रहती है, लेकिन चंबल नदी के कारण यहां पर हर 365 दिन कभी न सूखने वाली नदी, और देश से सबसे गहरी नदी अगर कहीं है तो चंबल नदी है। हमारे पास पर्याप्त पानी है, यहां बिजली के अंदर चाहे गैस से बिजली हो, कोयले से बिजली हो, पानी से हो, एटॉमिक पावर से हो, तमाम तरीके से बिजली जिस तरीके से पैदा हो सकती है, वह पैदा होने वाली बिजली का इंडस्ट्रीज का हब है तो वह कोटा हड़ौती है। ये कोटा रेल कनेक्टिविटी के अंदर सबसे बेहतर शहर है, ये कोटा रोड कनेक्टिविटी के अंदर दिल्ली बंबई कॉरिडोर हो या पोरबंदर सोमनाथ हो, तमाम तरह चारों देशों को जोड़ने का काम, अलग अलग प्रदेशों को जोड़ने का काम कोटा में होता है। एयर कनेक्टिविटी का सवाल है, मुझे आशा है बहुत जल्दी ही एयर कनेक्टिविटी का सपना भी पूरा होगा, ताकि ये देश कनेक्टिविटी के रूप में एक बेहतर शहर होगा। और इसीलिए मैं इस सपने को देखता हूं कि किस तरीके से कनेक्टिविटी के रूप में हो और आने वाले समय के अंदर यहां नया इंडस्ट्री जाए, नए व्यापार के रास्ते खुले, पर्यटन के रास्ते खुले,
इसलिए मुकंदा नेशनल पार्क, रामगढ़ अभयारण्य और सवाई माधोपुर तीनों अभयारण्य कनेक्टिविटी होने के बाद यहां पर पर्यटन की अपूर्व संभावना होगी। कल मैं बूंदी में था, बूंदी में आज भी देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। आने वाले समय के अंदर मुझे आशा है कि पूरा हाड़ौती को हम एक बेहतर पर्यटन सर्किट डेवलप कर पाएंगे, जिसके कारण हमें नए रोजगार भी मिलेंगे। और इसी के साथ साथ मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज मैंने यहां आपको देखकर एक योजना बनाई है कि अगले साल हम एक स्टार्टअप मेला लगाएंगे और उस स्टार्टअप मेले के बाद अगली बार चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, कंपनियों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, अपना साक्षात्कार देंगे। एक बार जिंदगी में ध्यान रखना, कभी निराश मत होना। नौजवान वो होता है जो कभी निराश होता और न कभी थकता। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हमारे जैसे नौजवान ने इस देश के अंदर विज्ञान के अंदर, तकनीकी के अंदर, व्यापारिक सेक्टर अंदर, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, तमाम सेक्टर के अंदर हम जैसे नौजवान ने दुनिया के अंदर बेहतरीन काम किए। अभी मैं दुबई गया था, तब दुबई गया तो वहां पे IIT के बच्चों ने एक प्लेन बनाया, जो प्लेन आने वाले समय में उनका सपना है कि एक साल बाद हम उस प्लेन को लांगेंगे जो बैटरी से चलेगा। अब दुनिया कहां परिवर्तन हो गई। उन IIT के 5 बच्चों ने मिलकर उस प्लेन को तैयार किया जो पहले कार्गो में उपयोग करेंगे, उसके बाद आने वाले समय में सवारी में उपयोग करेंगे। मैं जब वहां पर गया तो मैंने देखा कि किस तरीके से भारत के स्टार्टअपों ने अलग अलग सेक्टर के अंदर, हमारे सोच भी नहीं सकते, हम विचार भी नहीं कर सकते कि हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता और तकनीकी क्षमता इतनी अद्भुत है। उस दुबई के अंदर एक्सपो के अंदर अगर सबसे ज्यादा तकनीकी और कौशल के रूप के अंदर अगर कोई बेहतर काम करने वाला कोई स्टॉल था तो भारत का था, भारत के नौजवानों का था। और इसीलिए मैं आज इस विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं, आने वाले समय के अंदर इसी कोटा शहर से हम एक लक्ष्य बनाकर कि 61,000 अभी तक स्टार्टअप तैयार हुए हैं, हमें आने वाले समय के अंदर 5,000 स्टार्टअप, हमारे जो नौजवान यहां पर आए हैं वो स्टार्टअप तैयार करेंगे, उनको जहां पर ऋण की आवश्यकता होगी ऋण उपलब्ध कराने का काम करेंगे, ताकि वह आने वाले समय में रोजगार देने वाला नौजवान बन सके। और इसीलिए साथियों, हमारे सामने बहुत बड़े सपने हैं और सपने को पूरा करने की ताकत आप में है। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, मैं जितने भी देशों में गया, जापान ये कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला देश, जर्मनी भी लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला देश है, लेकिन उस जर्मनी हो, जापान हो, अमरीका हो, लंदन हो, वहां पर काम कौन कर रहा है? भारत का नौजवान कर रहा है। जापान के अंदर मैं गया तो मैं दंग रह गया कि एक पूरा क्षेत्र IIT और IT के सेक्टर का काम करने वाला नौजवान था। उस देश के अंदर सबसे ज्यादा तकनीकी और कौशल के रूप में उस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था तो भारत का नौजवान कर रहा था। जर्मनी में मैं गया तो जर्मनी में जब मैं नौजवानों से मिला तो जर्मनी की यही था। कनाडा के अंदर गया तो कनाडा के अंदर आज भी भारत का नौजवान कनाडा में पढ़ता है, पढ़ने के बाद वहां पर कौशल कुशलता के साथ काम भी करता है। ये हमारे भारत के नौजवानों की ताकत है। और इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया में भारत विश्व गुरु बनेगा, वह इसलिए हम कहते हैं कि भारत के नौजवानों की बौद्धिक कुशलता क्षमता इतनी है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया की किसी भी देश को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने का काम करेगा तो भारत का नौजवान बनेगा। आज भी दुनिया में नेतृत्व कर रहा है और भविष्य के सपने हम देख रहे हैं, आने वाले समय में भारत का नौजवान दुनिया के अंदर नेतृत्व करेगा, यह अद्भुत क्षमता हम में। और इसीलिए ये शहर एक
औद्योगिक शहर था, अब कोचिंग शहर हो गया, लेकिन कोचिंग के बाद भी आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाओ, मेडिकल के अंदर सबसे ज्यादा बच्चा निकलता है तो कोटा से निकलता है, आईआईटी का बच्चा निकलता है तो यहां से निकलता है, आईटी का बच्चा निकलता है तो यहां से निकलता है। हमारे यहां पर पढ़ने वाले बच्चे को एक अच्छा वातावरण मिलता है और इसीलिए यहां इंडस्ट्री सेक्टर के लोग भी बैठे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि अब कोटा स्टोन और सेंट स्टोन को छोड़कर हमें नई दिशा पकड़ने की आवश्यकता है। हमारा अभी दृष्टिकोण केवल एक सीमित दायरे तक है कि हम कोटा स्टोन का पत्थर काट लें या सेंट स्टोन का पत्थर काट लें, उससे ज्यादा हमारा दायरा नहीं बढ़ा। लेकिन आज यहां पर ये विभाग ने अप्रेंटिसशिप का और 2 दिवसीय रोजगार मेला लगाया है, यहाँ कई अच्छे नौजवान मिलेंगे। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जो बेहतर स्टार्टअप हैं उन स्टार्टअपों का नौजवानों को यहाँ पर लेकर आए, उन्होंने किस तरीके से स्टार्टअप के माध्यम से जो अच्छे काम किए उससे यहाँ के इंडस्ट्रीज के लोग भी, व्यापारी सेक्टर, सर्विस सेक्टर के लोग भी देखेंगे। और जो नौजवान आज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, मैंने तिवारी साहब को बताया कि ये मेला 1 दिन का 2 दिन का नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों ने आज रजिस्ट्रेशन कराया है उन सभी बच्चों को आने वाले समय के अंदर उनकी क्षमता, उनकी योग्यता के आधार पर हम रोजगार दे सके या उनको रोजगार करने के लिए प्रेरित करने के लिए ऋण दिला सके। मुझे आशा है विभाग इस बात को ट्रैक करेगा, कॉल सेंटर खोलेगा और लगातार फॉलोअप करेगा जब तक आप किसी न किसी रोजगार लग जाएं या रोजगार लगाने वाले नहीं बन जाएं, जब तक विभाग आपको लगातार फॉलोअप करेगा ताकि ये मेला सफलता की ओर प्राप्त कर सके, निर्णायक हो सके। क्योंकि मेले लगा लें और मेला लगाने के बाद उसका परिणाम नहीं निकले, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने विभाग से कहा कि इन सभी बच्चों को ट्रैक करें और लगातार जब तक इनको नहीं लगे, अगली बार मैं सभी विभागों के माननीय मंत्रियों को बुलाकर चर्चा करूंगा, उनके अधिकारियों से मिलाकर चर्चा करूंगा, जो अगली बार लगेंगे इन्हीं बच्चों को या नए बच्चे आने वाले रजिस्ट्रेशन बच्चों को भी रोजगार के जो भी अवसर होंगे वो उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।